समय मैंने ये देखा था कि गांव में जो पहले सरपंच बने या जब गांव में प्रथा चली आई थी एक सरपंच की कि वो किस प्रकार से काम करता है और गांव की किस प्रकार की स्थिति है, उसको देखने के बाद जो मैंने अपने मन में ये विचार लेके आई मैं कि क्यों ना मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ूं और अपने इस गांव के लिए मैं कुछ करूँ। जब मैंने ये इच्छा अपने परिवार के सामने रखी थी तो मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरी इस इच्छा का मान रखा और मुझे सरपंच के चुनाव के लिए आगे किया कि तुम लड़ो और तुम कर सकती हो। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी प्रतिभाएं घर पर ही रह जाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रदेश से मैं आती हूँ, जिस प्रकार की समाज से, पुरुष प्रधान समाज जिस प्रकार का मेरे क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर। मैं बात करूँ अगर गांव के विकास की तो ये कहा जाता है कि देश का विकास तभी संभव है जब हमारे गांव में विकास होगा। कहते हैं कि जो आत्मा है वो देश की वो गांव के अंदर बसती है। तो जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैंने उस चीज को ध्यान में रख के अपने किसानों की इस प्रकार से जब मैंने मदद की तो उनके चेहरे पर